हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में हमारा चैप्टर नंबर 5, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लिपिड्स जियोमेट्री, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, उसमें हमारा एक्सरसाइज 5.1 हमने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 और 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 और 2 हमने कम्प्लीट कर दिए थे। क्वेश्चन 1 में स्टेटमेंट्स थे, ट्रू या फॉल्स वो हमें बताना था, ट्रू या फॉल्स जो भी है उसके रीजन देने। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2 में हमें थोड़े टर्म्स दिए थे, उसकी डेफिनेशन लिखनी, तो वो डेफिनेशन से पहले हमें क्या हुआ, कोई टर्म्स नहीं डिफाइन करने पड़े थे, यस हमने वो किए। ठीक है, वो टर्म्स भी हमने लिए थे, उसके ऊपर से ये 5 डेफिनेशन भी हमने डिफाइन की थी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, नीचे 2 पोस्टुलेट्स दिए। अब हमें पता है कि पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ जियोमेट्री में अप्लाई होते, ठीक है, जो सिर्फ जियोमेट्री में अप्लाई होते हो, और एक्सियोम का मतलब क्या है कि सिर्फ जियोमेट्री में नहीं, आप कहीं पे भी उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमें 2 पोस्टुलेट दिए हैं कि गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, 2 पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है, तो इनके बीच में कोई एक पॉइंट सी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी, हो सकता है ना, कोई 2 पॉइंट के बीच में तीसरा पॉइंट हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ठीक है, मिनिमम ऐसे 3 पॉइंट तो होंगे ही कि जो सेम लाइन के ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर ये सी यहाँ पे कहीं पे है तो ए बी में से एक लाइन पास होगी जो कि सी में से पास नहीं हो सकती, फिर ए सी में से एक लाइन पास होगी जो बी में से पास नहीं हो सकती, और बी सी में से एक लाइन पास होगी जो ए में से पास नहीं हो सकती। तो मिनिमम ऐसे 3 पॉइंट्स तो हमें मिल ही सकते हैं जो कि सेम लाइन पे ना हो। ठीक है, ये लाइन ए बी में से पास होती है पर सी में से नहीं होती, फिर ये लाइन ए सी में से पास होती है पर बी में से नहीं होती, ये लाइन बी सी में से होती है ए में से नहीं होती, तो देयर मिनिमम 3 पॉइंट्स विच देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स देयर आर नॉट ऑन द सेम लाइन, तो मिनिमम 3 पॉइंट तो होंगे ही कि जो सेम लाइन पे नहीं। अब नीचे क्वेश्चन क्या बोले हैं कि डज दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, ये पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म्स है, हाँ हमें जो पोस्टुलेट दिए है उसमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स है, देखो हमें पोस्टुलेट क्या दिए हैं, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, तो इससे पहले पॉइंट क्या है वो डिफाइन करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि इसमें पॉइंट क्या है अनडिफाइंड टर्म, हाँ हमें बुक में आकर यूनिट्स की डेफिनेशन लिखी है उसमें पॉइंट की डेफिनेशन लिखी है, दैट इज ओके, बट यहाँ पे तो नहीं है ना। ठीक है, तो इस पोस्टुलेट के लिए अभी पॉइंट क्या है अनडिफाइंड है। ठीक है, तो उसमें है सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, तो यहाँ पे पॉइंट एंड लाइन दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था कि डू दीज पोस्टुलेट कंटेन इन अनडिफाइंड टर्म्स, यस आंसर क्या आएगा, पहले का आंसर 3 अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है, बहुत वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स है, जैसे कि पॉइंट लाइन, ठीक है, उसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड है, यस। ठीक है, देखो पहला पोस्टुलेट क्या है कि 2 पॉइंट के बीच में तीसरा पॉइंट होता है, ठीक है, फिर क्या है कि 3 ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं कि जिसमें से सेम लाइन पास ना हो, यस, तो दोनों 3 पॉइंट के अनुसार एक दूसरे से रिलेटेड है, कंसिस्टेंट मतलब कि दे आर बोथ रिलेटेड टू ईच अदर, उसे क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन क्या है, आर दीज पॉइंट पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, तो यस यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, यस दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट
they refer to distinct situations. दो अलग अलग सिचुएशन को रिफर करते हैं। एक में क्या है कि दो पॉइंट के बीच में एक तीसरा पॉइंट आ सकता है, दूसरी क्या है कि तीन ऐसे अलग अलग पॉइंट मिलेंगे जिसमें से एक लाइन पास ना हो, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से अलग है बट एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। यूक्लिड्स के हमने फाइव पोस्टुलेट्स लिखे थे ना, तो ये दोनों पोस्टुलेट है वो यूक्लिड के पोस्टुलेट से फॉलो करते हैं? नो, ठीक है। हमने ये सब पॉइंट के रिलेटेड, लाइन के रिलेटेड कोई पोस्टुलेट नहीं लिखा था, ठीक है। लाइन के रिलेटेड, पॉइंट के रिलेटेड पोस्टुलेट लिखे थे, बट ऐसे तीन पॉइंट हो उसमें से लाइन पास होती हो, दो पॉइंट के बीच में तीसरा पॉइंट हो, ऐसा कोई पोस्टुलेट नहीं लिखा था। तो ये जो दोनों पोस्टुलेट है वो यूक्लिड के पोस्टुलेट से फॉलो नहीं होते, वो फॉलो होते हैं एक्सियोम 5.1 से। यूक्लिड के एक्सियोम नहीं बोल रही हूँ, देखो यूक्लिड के 7 एक्सियोम से भी ये फॉलो नहीं हो रहा है। हमने जो एक्सियोम 5.1 अलग से लिखा था वहां से फॉलो हो रहा है, ठीक है। एक्सियोम 5.1 क्या था कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, ठीक है। वहां से ये होता है फॉलो, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट से फॉलो नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा? नो। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट? नो, दे डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स। हमने डिराइव किए हुए एक्सियोम 5.1 से फॉलो करते हैं, यूक्लिड के एक्सियोम से नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? दे फॉलो फ्रॉम एक्सियोम, कौन सा एक्सियोम है 5.1 वो सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। दे फॉलो फ्रॉम एक्सियोम गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिल रहा है, बीसी मिल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है? एसी इज इक्वल
करके आपको करना है बना ए बी। तो जब ऐसे क्वेश्चन लिए हो ना उससे बोलते हैं राइडर, कुछ दिया हो और कुछ नया डिराइव करना। हमें दिया है कि सी ए बी के बीच में है, दूसरा ए सी इज इक्वल टू बी सी, इतना दिया है। हमें प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू बना ए बी। तो जियोमेट्री में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उसे बोलते हैं राइडर। क्या बोलते हैं? राइडर। तो उसे हम तीन पार्ट में लिखेंगे। इसके कितने पार्ट में लिखेंगे? तीन पार्ट में। पहला तो गिवन जो हमें क्वेश्चन में दिया है, दूसरा टू प्रूफ जो हमें प्रूव करना है, और तीसरा प्रूफ जो हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या दिया है कि पॉइंट सी लाइज बिटवीन, एक तो दिया है कि पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ये हमें गिवन। दूसरा हमें क्या दिया है साथ में? ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये दिया है ना। ठीक है, जो देखो क्या दिया था, सच डेट ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो क्या था? प्रूव थे। तो गिवन, तो ये हमें टू प्रूव, हमें ये क्या करना है? प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए सी इज इक्वल टू बना ए बी, ए सी इज इक्वल टू बना ए बी, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ देंगे। कैसे प्रूव करना है ये सब हम प्रूफ करेंगे, तो उसे यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। क्या लिखते हैं उसे? प्रूफ। ठीक है, एक तो गिवन बिजू सेकेंड टू प्रूफ एंड थर्ड प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ अब हम देखें ऐसे इज इक्वल टू बना फिर भी कैसे होता। ठीक है, हमें क्या दिया है यहाँ पे? एसी इज इक्वल टू एबी, एसी इज इक्वल टू एबी हमें दिया। अब मैं दोनों में क्या कर रही हूँ? एसी एड कर रही हूँ। दोनों में क्या कर रही हूँ? एसी एड कर रही हूँ, क्योंकि देखो हमें एसी इज इक्वल टू एबी दिया है, मीन्स दे आर सेम। ठीक है, अब दोनों में एसी एक ही चीज एड कर रही हूँ, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियो इफ सेम थिंग इज एडेड इन द इक्वल देन रिमेडेड रिजल्ट इज इक्वल। था ऐसा एक्सियो? ठीक है, यूक्लिड का एक्सियो था, जो यूक्लिड के एक्सियोम्स में थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल। सेकेंड एक्सियो, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन होल्स द होल आर इक्वल। एसी एड भी हमें ऑलरेडी इक्वल दिया है, उसमें मैं इक्वल ही एसी एड कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा? एसी प्लस एसी इज इक्वल टू ए बी प्लस एसी, सॉरी एसी इज इक्वल टू बीसी दिया है, एसी इज इक्वल टू बीसी हमें दिया है। दोनों में क्या कर रही हूँ? एसी प्लस एसी इज इक्वल टू बीसी प्लस एसी, दोनों साइड मैंने एड किया। यहाँ पे क्या आएगा? यूक्लिड एक्सियोम, रीजन क्या? मैंने ये एड किया दोनों में एसी, दोनों साइड मैंने एसी को एड किया, पर उसका कुछ रीजन तो होना चाहिए ना। तो ऐसे तीन डॉट ये दिखाते हैं रीजन। रीजन क्या है कि यूक्लिड एक्सियोम है इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, द होल्स आर इक्वल। ठीक है, यूक्लिड के एक्सियोम था हमारा कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल। ठीक है, ये जो इक्वल थे एसी एंड बीसी, उसमें हमने एक इक्वल एसी दोनों में एड कर दिया, तो हमें जो होल मिला वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे एसी प्लस एसी क्या हो जाएगा? टू एसी। एसी प्लस एसी क्या हो जाएगा? टू एसी। और एसी प्लस बीसी हम फिगर के ऊपर से ए बी लिख सकते हैं। फिगर में हमने जो देखो हमें क्या दिया है कि पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो सी है वो ए बी के बीच में लाई करता है, तो ऑब्वियसली एसी प्लस बीसी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? टू एसी बीसी प्लस एसी दैट इज ए बी। तो यहाँ पे मैं रीजन लिखूंगी कि फ्रॉम फिगर एसी प्लस बीसी इज इक्वल टू ए बी, फिगर के ऊपर से मिल रहा है। ठीक है, अब टू को इस तरफ ले जाओ तो एसी इज इक्वल टू क्या होगा? वन हाफ ए बी होगा। टू यहाँ पे एसी के मल्टीप्लीकेशन में इस साइड डिवीजन में हो जाएगा, तो एसी इज इक्वल टू वन हाफ ए बी हो गया टू। या अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेंस प्रूफ। लास्ट में क्या लिखेंगे हम? हेंस प्रूफ।
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? इन क्वेश्चन फोर, पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. अगर ए सी इज इक्वल टू वन हाफ ए बी है, इसका मतलब है कि सी है वो लाइन सेगमेंट ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है. ठीक है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. कोई भी लाइन सेगमेंट हो तो उसके पास ओनली वन मिड पॉइंट ही होगा, एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकते. ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं. ये रहा लाइन सेगमेंट ए बी, ये रहा लाइन सेगमेंट ए बी. अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है? गिवन गिवन हमें क्या दिया है? सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी दिया है ना. देखो क्या लिखा है. ठीक है, इन क्वेश्चन फोर, पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. तो हम क्या लिखेंगे? सी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. ये हमें दिया है. दूसरा, हम क्वेश्चन फोर के, क्वेश्चन फोर में हमें क्या दिया था? ए सी इज इक्वल टू बी सी दिया था. यस और नो? क्वेश्चन फोर में हमें क्या दिया था? ए सी इज इक्वल टू बी सी. तो फ्रॉम क्वेश्चन फोर हम ये भी लिख सकते हैं ना, ए सी इज इक्वल टू बी सी. ये तो ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव क्या करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है. तो प्रूव क्या करना है हमें कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है. ठीक है, ये हमें इतना हमें दिया था, बाकी का हमें क्या करना है? प्रूव करना है. तो हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे दो मिड पॉइंट ले रहे हैं हम, सी एंड डी. पहले प्रूव करने के लिए हम दो मिड पॉइंट ले रहे हैं सी एंड डी. हमें प्रूव करना है कि सी एंड डी दोनों एक ही है. ठीक है, हमने दो अलग अलग पॉइंट लिए. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूव. प्रूव का स्टार्ट करने के लिए मैं लिख रही हूँ ले टू मिड पॉइंट्स, ले टू मिड पॉइंट्स सी एंड डी आर देयर फॉर लाइन सेगमेंट ए बी. लाइन सेगमेंट ए बी के दो मिड पॉइंट है सी एंड डी, ऐसा हमने ले लिया. ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी के दो मिड पॉइंट है सी एंड डी, ऐसा हमने पहले ले लिया. ठीक है, अब हमें क्या दिया है कि सी एंड डी दोनों क्या है? उसके लाइन सेगमेंट है. अब हमें क्या दिया है? ए सी इज इक्वल टू बी सी. हमें क्या दिया है? ए सी इज इक्वल टू बी सी. तो आगे के क्वेश्चन में जैसा किया था, आगे के क्वेश्चन में जैसा किया था वैसा मैं कर सकती हूँ ना. दोनों में ए सी एड कर दो, तो ए सी प्लस ए सी. दोनों में क्या कर रही हूँ मैं? दोनों साइड ए सी एड कर रही हूँ. इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी. कहाँ से गया मैंने? क्या किया मैंने कि इफ इक्वल इज एडेड टू द इक्वल देन होल आर इक्वल. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ यहाँ पे ऐसे कि फ्रॉम यूक्लिड्स एक्सियोम टू. सेकेंड एक्सियोम था ना यूक्लिड का. ठीक है, फ्रॉम यूक्लिड्स एक्सियोम टू कि इफ इक्वल इज एडेड टू द इक्वल देन होल्स आर इक्वल. ठीक है ना, ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू टू ए सी. AC प्लस AC इज इक्वल टू टू AC एंड BC प्लस AC इज इक्वल टू AB. ये मैंने कहां से लिखा? फ्रॉम फिगर AC प्लस BC इज इक्वल टू AB है. ठीक है, इसे दे दो इक्वेशन नंबर वन. इसे क्या दे दोगे? इक्वेशन नंबर वन. अब यहाँ पे C मिड पॉइंट है और लाइन सेगमेंट है और D भी मिड पॉइंट हो तो जैसे AC इज इक्वल टू BC है वैसे AD इज इक्वल टू BD होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, कि अगर सी है वो लाइन सेगमेंट एबी का मिड पॉइंट है तो ए सी इज इक्वल टू बी सी बन रहा है. तो सी की जगह पे अगर डी मिड पॉइंट होता तो ए डी इज इक्वल टू बी डी होता ना. ठीक है, तो मैं क्या ले रही हूँ कि डी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट. इफ डी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एबी
ए बी देयर, तो हमें क्या मिल सकता है, देन ए बी इज इक्वल टू बी डी होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर सी इक्वल है तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो अगर डी इक्वल हो तो ए डी इज इक्वल टू बी डी। अब दोनों साइड में क्या कर रही हूँ, ए डी एड कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ए डी एड कर रही हूँ, तो ए डी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी डी प्लस ए डी, क्या आएगा, ए डी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी डी प्लस ए डी। कहाँ से मैंने किया, सेम थी यहाँ से, ठीक है, वो इक्वल इज एडेड टू द इक्वल देन बोल्स आर इक्वल, क्या आया फ्रॉम यूनिट जीरो टू रखते हैं।